नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे वेक्टर कैलकुलस के ऊपर, और वेक्टर कैलकुलस को अपन लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें कुछ चीज़ें कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है, या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए आई स्टडी ऑनलाइन को, और वहाँ से आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा। तो थोड़ा और आज आगे बढ़ते हैं और अपना वापस स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। इस न्यूमेरिकल एनालिसिस पे हम चर्चा करते हैं। तो इस पे चर्चा करने से पहले एक नज़र इसके न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक्स के ऊपर डाल लेते हैं, इसके सिलेबस के ऊपर डाल लेते हैं। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस, पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, पेपर नंबर 3 है, ठीक है। एक यूनिट हम इसकी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जिसने ये यूनिट नंबर 1 नहीं देखी है या इसकी क्लासें अटेंड नहीं की है, तो उस यूनिट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से देख सकते हो। साथ में आपको यूनिट नंबर 5 है जो वेक्टर कैलकुलस वाली, जो इसके साथ में है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप ये दो यूनिट देख सकते हो। साथ में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, नोट्सों का लिंक भी दिया हुआ है। नोट्स में आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। केमिस्ट्री भी आपकी पूरी हो चुकी है, तो सारे के सारे लिंक आपको दिए हुए हैं। ये नोट्स आप खरीदो, और ख़रीद के आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, कॉस्ट है सिर्फ 49 रुपीज़ है। 49 रुपीज़ लेके कहाँ जाओगे आप, अपनी तैयारी में लगाओ इनको, ठीक है। इनको आप अपनी तैयारी में लगाते हो तो आपकी तैयारी इतनी अच्छे से हो जाएगी, आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते कि आज तक आपने ऐसी तैयारी नहीं की होगी। इन नोट्सों के साथ इस प्रकार की आपकी तैयारी इसमें होगी। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट की तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। तो एक यूनिट हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, और एक बार इसके 3-4 यूनिट पर हम इस क्लास में इसके सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। और जो यूनिट 1 है उसमें यही थोड़ी बड़ी थी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बची हुई तीनों यूनिट अपन 15 या 20 क्लास, मुश्किल से 15 या 20 क्लास में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। जो अपना एनए का पेपर है उसको कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करने के बाद अपन या तो रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या फिर अपन स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। कोशिश करते हैं अपन ये रियल एनालिसिस स्टार्ट करने की, क्योंकि रियल एक रीज़न ये भी हो सकता है कि पहले डिफरेंशियल इक्वेशन कर दें, ठीक है, क्योंकि पहले इजी पार्ट को लेके हुए हम चलेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के लिए अपन वो देख लेंगे, बाकी पहले इसको कंप्लीट करते हैं। मुश्किल से 15 क्लासों का मैटर और बचा है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, और ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ। तो एक नज़र इसके सिलेबस पर डाल लेते हैं कि हम कौन से टॉपिक्स इसमें पढ़ चुके हैं और कौन से टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 1st चैप्टर था इसके अंदर द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेज। यूनिट नंबर 1 की अगर हम चर्चा करें तो इसमें हमने पढ़ा था द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेज। यह चैप्टर हमने पढ़ा था, इसका नाम है परिमित अंतरकलन, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट एक क्वेश्चन मिलता है, इससे बाहर अपन ने जो भी पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। नोट्स आपको दिए हुए हैं कंप्लीट एनए के, कंप्लीट न्यूमेरिकल एनालिसिस के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यूनिट नंबर 2 इसमें हम पढ़ेंगे, देखो यूनिट नंबर 2 में आता है इसमें इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में एक और आता है सेंट्रल डिफरेंसेज, इसी यूनिट नंबर 2 में सेंट्रल डिफरेंसेज इंटरपोलेशन, और एक आता है इनवर्स इंटरपोलेशन, ठीक है, यानी केंद्रीय अंतर्वेशन और प्रतिलोम अंतर्वेशन। तो इसको अपन स्किप करते हुए चलेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में आता है एक असमान अंतरवाल के लिए अंतर्वेशन, मतलब इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल्स, ये भी अपन स्किप करेंगे, ठीक है। अपन वही मैटर पढ़ेंगे जो अच्छा हो, ईजी हो, काफ़ी शानदार हो। आते हैं इसमें यूनिट नंबर 2 में अपन जो चैप्टर करेंगे उस चैप्टर का नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। यूनिट नंबर 2 जो है आपका चैप्टर नंबर सात, इसमें हम पढ़ेंगे, इसका नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका संख्यात्मक
समाकलन। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसमें जो टॉपिक्स है वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले आएगा इसमें ए जनरल क्वाड्रेचर, ए जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला फॉर इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा, मतलब सम दूरस्थ कोटियों के लिए सामान्य क्षेत्रफल सूत्र। ठीक है, सम दूरस्थ कोटियों के लिए सामान्य क्षेत्रफल सूत्र एक नंबर पे ये आएगा। नंबर दो पे आएगा इसमें, ये नंबर दो में इसमें तीन चार पार्ट दिए हुए आपको, ट्रेपेजोइडल, एक तो ट्रेपेजोइडल, फिर आता है आपका नंबर दो इसमें सिम्पसन वन बाई थ्री, नंबर तीन आता है इसमें सिम्पसन 3/8, नंबर चार आता है इसमें वेडले। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें न्यूटन कोट क्षेत्रकलन सूत्र और गोस क्षेत्रकलन सूत्र। इसके बाद आता है इसमें नंबर तीन न्यूटन कोट क्षेत्रकलन सूत्र और नंबर चार आता है इसमें गोस क्षेत्रकलन सूत्र। इस यूनिट नंबर सेकंड में बस अपन यही टॉपिक्स पढ़ेंगे, इन टॉपिक से आपका यूनिट नंबर सेकंड पूरा कवर हो जाता है। तो क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को? ठीक है, यूनिट नंबर तीन के ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। यूनिट नंबर तीन में आपको क्या दिया हुआ है? यूनिट नंबर तीन में अपन जो पढ़ेंगे वो है आपका न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ये आपको नंबर तीन में दिया हुआ है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन बीजीए तथा एबीजीए, बीजीए तथा एबीजीए समीकरणों के संख्यात्मक हल। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसमें जो टॉपिक्स अपन पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स देख लो आप। एक पढ़ेंगे अपन द्विभाजन विधि, ठीक है, इसको बोलते हैं बाईसेक्शन मेथड। क्लियर सभी स्टूडेंट को? द्विभाजन विधि, बाईसेक्शन मेथड। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें इटरेशन मेथड, यानी कि पुनरावर्ती विधि, इसको बोलते हैं अपन इटरेशन मेथड। उसके बाद अपन इसमें पढ़ेंगे न्यूटन रैप्सन। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इस एक पढ़ेंगे इसमें रेगुला फॉल्स मेथड, ठीक है, रेगुला फॉल्स मेथड, ठीक है, जिसको बोलते हैं मिथ्या स्थिति विधि। ये अपनी यूनिट नंबर तीन का मैटर हो गया। यूनिट नंबर चार पे भी एक नजर डाल लेते हैं, ठीक है, यूनिट नंबर चार में अपन क्या पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं। यूनिट नंबर चार पे आइए, सोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है, इसमें जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो होगा एक तो गॉस उत्तरोत्तर विलोपन। इसमें कौन से टॉपिक होंगे? गॉस उत्तरोत्तर विलोपन, ठीक है, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हम गॉस सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे चलते हैं, इसमें आता है फिर गॉस जॉर्डन, उसके बाद आता है इसमें लास्ट गॉस सीडल
गोस सीडल, ये आपके चार यूनिट इस प्रकार से एनए में पूछी जाती है। पांचवी यूनिट इसमें आपको पूछी जाती है वेक्टर कैलकुलस के ऊपर। वेक्टर कैलकुलस में अपन ने दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, उन दोनों चैप्टर से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सिमिलरली आपकी इसी की कहानी है, जो ये मैटर अपन मैंने आपको बताया है राजस्थान वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, राजस्थान शेखावाटी इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, राजस्थान में जो भी हैं शेखावाटी में जो भी हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। उसके बाहर वाले स्टूडेंट न्यूमेरिकल एनालिसिस उनके कौन सी क्लास में चलता है, ये टॉपिक्स दिए हुए होंगे, वो उस हिसाब से इनकी तैयारी कर सकता है। तो ये चीज़ें अपन पढ़ेंगे, शेखावाटी और राजस्थान वाले तो बेझिझक रहो, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा मैटर आपको यहीं से मिल जाएगा। तो आप बेफिक्र होकर ये सारी चीज़ें इजीली पढ़ सकते हो। नोट्स का लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का दिया हुआ है, और यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर फाइव है, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो तैयारी आप आज से ही कंटिन्यू करें, ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में जाकर, काफ़ी बार एक बात बोलता हूँ कि लास्ट में जाकर आप ये ना सोचें कि हम लास्ट में जाकर देख लेंगे। अभी देखो नवंबर ऑलमोस्ट आ चुका है, अक्टूबर भी ख़त्म होने को आया है, ठीक है, होने को क्या आया, हो गया है, दो तीन दिन बचे हैं, नवंबर आ चुका है, और नवंबर में दिवाली के बीच में समय का वैसे नहीं पता चलेगा, तो बचा फिर बीच में दिसंबर जनवरी, ठीक है, ये दो तीन महीने ही अब आपके पास बचे हैं। आपको ये भी नहीं पता चला कि आपने अब तक कितना समय खराब कर चुके हो, ऑलमोस्ट आप पाँच महीने खराब कर चुके हो, ठीक है, और एक सेशन में इतने ही सात आठ महीने मिलते हैं, पाँच महीने आप खराब कर चुके हो, दो तीन महीने बचे हैं, इन दो तीन महीने में आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आगे के लिए आपका जो फ्यूचर है वो थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा ब्राइट होगा, वरना अंधेरा तो है ही, अंधेरा तो है ही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट तैयारी है वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, और अगर जिसने अभी तक नहीं किया तैयारी स्टार्ट करना तो वो कर ले, ठीक है, बिकॉज अब अपना जो सिलेबस है वो एक अच्छी स्पीड से चलेगा, ठीक है, अब सिलेबस एक अच्छी स्पीड से चलने वाला है, स्पीड से हम खींचेंगे। अब जितना समय आपको देना था उतना समय हम आपको दे चुके हैं, ये सोचते हुए कि थोड़ा आप सुधर जाओ, थोड़ा रूटीन में आ जाओ, इसके लिए ही आपको इतना समय दिया गया था, ठीक है, अब समय आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, समय जितना देना था उतना आपको दे चुके हैं, अब अपनी क्लासें कंटिन्यू रूप से चलेगी, रेगुलर चलेगी, और स्पीड से आपका कोर्स चलेगा, ठीक है, और फरवरी तक अपन इसको, जनवरी या फरवरी तक अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा कुछ मैटर रहता नहीं है, एक एक पेपर अपन नवंबर में कंप्लीट कर लेंगे सारे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसमें से कोई एक यूनिट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास का टाइम जब भी है तब अपन एक यूनिट इसमें से स्टार्ट करेंगे, और मिलते हैं उस क्लास में एक नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।